गाइस आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम आरसीबी के पुराने मालिक और भारत का भगोड़ा घोषित कर दिए गए विजय माल्या फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। 22 जून बुधवार की सुबह माल्या ने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की जिसमें उनके साथ थे वेस्टइंडीज के स्टार क्रिकेटर क्रिस गेल। देखते ही देखते ये फोटो जमकर वायरल होने लगी और यूजर्स इस पे मजे लेने लगे। एक यूजर ने क्रिस गेल से खास गुजारिश करते हुए लिखा कि क्रिस गेल से एक विनती है कि वो विजय माल्या को अपने मजबूत कंधे पर उठाकर लाएं और भारत सरकार को सौंप दें। दूसरे यूजर ने लिखा कि देश लौट आओ और एसबीआई वालों से मिलो। आपको बता दें कि भारत के भागे हुए कारोबारी विजय माल्या ने अपनी एयरलाइंस के लिए बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था और विजय माल्या पर इसे ना चुकाने और भागने का आरोप है और वो फिलहाल ब्रिटेन में छिपा है। आपका क्या रवैया इस पोस्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हम देश के लिए अच्छा करते रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। गाइस ये कहावत जेनेरिक आधार के फाउंडर अर्जुन देशपांडे के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। अर्जुन देशपांडे ने देश में फार्मेसी की फील्ड में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है वो काबिले तारीफ है। उनके इस अच्छे काम के लिए उन्हें रतन टाटा जी का भी साथ मिला, लेकिन गाइस हाल ही में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके इस अच्छे काम को रोकने की कोशिश की और उन पर जानलेवा हमला किया। दरअसल अर्जुन अपनी जेनेरिक आधार की एक ब्रांच इनोग्रेट करने के लिए आगरा से दिल्ली जा रहे थे, तभी वहां कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर और लोहे की रोड से हमला कर दिया जिसमें उनके साथी बुरी तरीके से घायल हो गए। लेकिन जैसे तैसे वो अपनी गाड़ी को आगे टोल नाके पर लेकर पहुंच गए जहां पुलिस और प्रशासन ने उनकी मदद की। गाइस जो भी हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति देश और समाज के लिए अच्छा काम करने की सोचता है तो अक्सर उसे रोका जाता है। पर हम तो अर्जुन जी के लिए सिर्फ यही दुआ करेंगे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। अर्जुन जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद। दोस्तों वैसे तो अंतरिक्ष में अक्सर अजीबोगरीब घटना होती रहती है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में एक हरे रंग का गोला दिखा है जो भूत की तरह दिखता है और गायब भी हो जाता है। यही नहीं, ये गायब होते हुए भी उसी जगह पर मौजूद होता है लेकिन फिर भी किसी को नजर नहीं आता है। कुछ देर तक तो इस रहस्यमय भूतिया गोले ने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप का उपयोग किया तब इस रहस्यमय गोले का सच सामने आ ही गया। दरअसल ये गोला तेजी से घूम रहे आवेशित इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से बना है, जिससे इसके अंदर काफी ज्यादा बदलाव होते रहते हैं और इसी वजह से ये कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता। गाइस ये कहानी है एक लड़के और एक लड़की की जिनकी नई नई शादी हुई थी। शादी हो जाने के बाद जब लड़का लड़की को लेकर अपने घर पहुंचता है तब सब उससे पूछने लगते हैं कि दूल्हे राजा क्या क्या मिला दहेज में। लड़का इन सवालों को सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन लड़की इन सवालों को सुनकर रोने लगती है। लड़की को रोता देख लड़के से रहा नहीं गया और वो लड़का बोला कि आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं, क्योंकि एक बाप ने मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी दी है, एक भाई ने अपनी बहन दी है, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी है और एक माँ ने जो कि दुनिया को सब कुछ दे सकती है पर अपनी संतान नहीं दे सकती, उस माँ ने अपने आंचल में खेली गुड़िया दे दी, और क्या चाहिए मुझे। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग चुप हो जाते हैं। गाइस जो हिम्मत उस लड़के ने दिखाई है वो काबिले तारीफ है, और अगर ऐसी ही सोच हर लड़के की हो जाए तो दहेज जैसी प्रथा जड़ से मिट जाएगी। गाइस आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो।